वो हो गया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 साल 10 महीने और 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है, लेकिन रूस ने कभी यूक्रेन पर इतना बड़ा हवाई हमला नहीं किया। आखिर क्यों नाराज हैं पुतिन? आखिर एक बार में करीब 107 मिसाइल यूक्रेन पर लॉन्च करने की वजह क्या है? साल 2024 के पहले आखिर यूक्रेन और रूस के बीच शांति की पहल को इतना बड़ा झटका कैसे लग गया है? ये सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये चौंकाने वाले आंकड़े। दावा ये किया जा रहा है कि कुछ घंटे के अंदर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और आसपास के इलाकों पर 158 मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन ने रूस में ऐसा कोहराम मचाया है कि कीव घुटनों पर आ गया है। सबसे पहले देखिए खार्किव की तस्वीरें। खार्किव के रेलवे स्टेशन पर ऐसा मिसाइल हमला हुआ कि पूरा रेलवे स्टेशन लगभग तबाह हो गया। रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए, सड़कों पर कांच ही कांच बिखर गया, दीवारों पर छर्रों के निशान नजर आ रहे हैं। ड्रोन्स और मिसाइलों के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना बड़ा था, और एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जहां की मिसाइलें जाकर फटी हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए जो बोयारका की है। बोयारका पर भी रूस ने बहुत जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन के लोग पूरे जलते हुए मकानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। बोयारका के हर घर के ऊपर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया गया है। पूरे मकान के ढांचे से आग धधकती हुई नजर आ रही है। किचन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Триває аварійна рятувальна операція щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання – це в торговий центр. Є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. यूक्रेन को रूस लगातार बुरी तरीके से तबाह कर रहा है। ज़ेलेंस्की शांति कायम करना चाहते हैं, लेकिन रूस तैयार नहीं हो रहा है। रूस की शर्तें बहुत बड़ी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के नेता शी जिनपिंग से वादा किया था कि यूक्रेन पर उनका आक्रमण 5 साल तक चलेगा। जापानी अखबार निक्केई ने गुरुवार को रिपोर्ट दी है कि पुतिन की टिप्पणी स्पष्ट रूप से मार्च 2023 में शी के मॉस्को यात्रा के दौरान आई थी, जब रूस पहले से ही 1 वर्ष और 1 महीने के युद्ध में था और उसे कई शर्मनाक झटके झेलने पड़े थे। पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा था कि रूस कम से कम 5 साल तक लड़ेगा, मॉस्को अंत में विजयी होगा। पुतिन के इस बयान से पता चलता है कि वो रिपोर्ट गलत थी, जिसमें कहा गया था कि रूसी नेता चुपचाप युद्ध विराम वार्ता के लिए तत्परता का संकेत दे रहे हैं। ये कहते हुए कि पुतिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने लाभ के लिए शांति की तलाश का भ्रम पैदा कर सकते हैं। निक्केई की रिपोर्ट पर ना तो क्रेमलिन और ना ही बीजिंग ने कोई टिप्पणी की है, जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। प्रकाशन के द्वारा शी को शायद पुतिन की 2023 की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण से पहले रूसी नेता के इरादों को गलत तरीके से आंका था। अब रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि शांति के लिए ज़ेलेंस्की के द्वारा दिए बयानों से पता चलता है कि उनका दिमाग बुरी कल्पनाओं से जूझ रहा है। Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Может быть, даже задумывается об уточнении стратегии, потому что если стратегическое поражение России это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском. Это все уже понимают. Начинаются какие-то заходы, нашептывания, а вот почему бы вам вот не встретиться с кем-то, кто там, в Европе где-то вот был бы готов поговорить. बोयारका कीव के पास का ही एक इलाका है, और यहाँ पर एक के बाद एक दर्जनों इमारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये ईरान के शाहिद ड्रोन के अवशेष हैं।
जिनसे हमला किया गया है। यहाँ भी पूरा किचन तबाह हो गया है, लेकिन यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। रूस ने ओडेसा बंदरगाह पर भी बहुत ताकत से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले की वजह से बंदरगाह के शहर में रहने वाले तमाम लोगों की जान उस वक्त सूख गई जब रूस के हमले से यहां के लोग भागने लगे और ओडेसा बंदरगाह के शहर में रहने वाले लोगों की इमारत में धुआं ही धुआं घुस गया। लोगों को बचाने के लिए दर्जनों की संख्या में यूक्रेन के फायर फाइटर ऐसी इमारतों के अंदर घुस गए। Даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС, розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає. नाइपर के गांवों में भी रूस की सेना ने कोहराम मचा दिया है। यहां इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं और जंगलों में भी आग फैलती जा रही है। ये तस्वीर नाइपर की है। यूक्रेन के नाइपर शहर के अंदर कोहराम मच गया और यहां के लोग बता रहे हैं कि ये फिलहाल के दिनों में यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। Одна людина загинула, 8 звернулися медичною допомогою, одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань, тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна. Ну тут живого місця немає. रूस ने कीव पर इतना खतरनाक हमला इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के बंदरगाह शहर फियोदोसिया पर रात भर हवाई हमले किए थे। यूक्रेन के इस हमले में लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, नोवोचेकर्स नामक एक बड़े लैंडिंग जहाज को भी यूक्रेन ने हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया है। लैंडिंग जहाज नोवोचेकर्स 40 साल से रूस की सेवा में था। नोवोचेकर्स को पोलैंड में बनाया गया था। ये टैंक समेत कई तरह के बख्तरबंद वाहनों को ले जा सकता है। क्राइमिया ने इस हमले में गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जिससे रूस की भारी बदनामी हो रही थी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के द्वारा भड़काया गया है। Российской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия. कुल मिलाकर अब यूक्रेन के सामने सरेंडर के सिवा और कोई विकल्प पुतिन ने नहीं छोड़ा है।